मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रगल एक डेंटल सर्जन की जिंदगी में। ये मैं स्लीपर क्लास में बैठा हूँ, ये देखो आप। एक मेरा कोच इवन था फर्स्ट एसी वाला, वो मुझे मिला ही नहीं। यहाँ पे ये ट्रेन निकली है सुबह 3 बजे, अप्रॉक्सीमेट टाइम जम्मू पहुँचने का बता रहा है वो 3:30 दोपहर को, यानी 12:30 घंटे में जम्मू पहुँच गए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टॉप प्रोमिसिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रगल एक डेंटल सर्जन की जिंदगी में। सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे हूँ। अभी मैंने ट्रेन लेनी है जो मुझे 2:30 बजे करीब, अगर टाइम पे रहती है तो जम्मू पहुँच जाएगी। और जम्मू में एक सर्जरी है, वो ख़त्म करके शाम की ट्रेन लेके वापस। नॉर्मली ये काम मैं गाड़ी से करता था, लेकिन अकेला जा रहा हूँ अभी, तो अकेले में गाड़ी इज़ लाइक टू बोरिंग। इस तारीख 14 नवंबर है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मैं अभी, मेरा कोच A1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, सीट नंबर 2 है। ट्रेन आ ही रही है, तब से अनाउंस हो रहा है लेकिन आ नहीं रही है। मेरे लंबे इंतजार के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये मैं स्लीपर क्लास में बैठा हूँ, ये देखो आप। ट्रेन खाली थी इसलिए मैं बैठ गया। प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा कोच A1 था फर्स्ट एसी वाला, वो मुझे मिला ही नहीं। ट्रेन में पहले दूसरे इंजन तक गया, वहाँ मुझे A1 नहीं मिला। मैं पीछे तक आया, A1 नहीं मिला। फिर ट्रेन ने हॉर्न कर दिया कि ट्रेन चल पड़ी है। मैंने कहा भैया मैं ये S8 था, S8 में बैठ गया। लकीली ट्रेन पूरी खाली है, वो कितनी टूटी हुई है, तो वहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है। चलिए फिर आप लोग आराम से देखते रहिए कि एक डेंटल सर्जन की जिंदगी की स्ट्रगल। हेलो एवरीबॉडी, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन अभी जलंधर पहुंचने वाली है। फिर ये ट्रेन जाएगी जलंधर से अमृतसर, दीनानगर, गुरदासपुर, पठानकोट होते हुए जम्मू। मैं नॉर्मली जब कार से जम्मू जाता हूँ तो 5 बजे निकलता हूँ, 10:30 तक जम्मू वाले क्लिनिक में पहुँच जाता हूँ, तो 5:30 घंटे मैक्सिमम। और यहाँ अभी जो टाइम, अप्रॉक्सीमेट टाइम जम्मू पहुँचने का बता रहा है वो 3:30 दोपहर को, यानी 12:30 घंटे में जम्मू पहुँचेंगे हम। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे, जहाँ बोगी में A1 लिखा था कि यहाँ पे A1 बोगी होनी चाहिए, जहाँ जिसकी A1 बोगी है, तो A1 बोगी की जगह वहाँ पे था ही नहीं A1 बोगी। और ट्रेन का स्टॉप जो है चंडीगढ़ में 20 मिनट का है, उसकी जगह ट्रेन वहाँ 4 मिनट में चल पड़ी। मैं S8 में घुस गया, फिर वहाँ से आपको वीडियो बनाया था, ये आपको आपने देखा है वो वीडियो। फिर मैंने ट्वीट किया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो 5-स्टार रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आप A1 का बोर्ड लगाते हो और उसके आसपास दूर दूर तक A1 बोगी नहीं है। मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा मुझे कि सर आप अभी बैठे रहो वहाँ पे, 5:15 पे ये लुधियाना जंक्शन पे 10 मिनट के लिए रुकेगी, तो उस 10 मिनट में आप शिफ्ट कर लेना A1। A1 थोड़ा सा आगे है S8 से। 2-2.25 घंटे में वैसे ही ठंड में गुजारा वहाँ। वैसे ही 5 बजे तो मुझे फ़ोन आया कि
सर वो आपको बोगी चेंज करनी है, सो हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे, हम आपको छोड़ के आएंगे। ट्विटर का पावर है, ट्वीट का भाई साहब, दो टीटी काले ड्रेस वाले और एक गार्ड संतरी पुलिस वाले, रेलवे पुलिस वाले, वो तीनों आए। मेरे पास दो बैग थे, उन्होंने जिद करी बैग उठाने की, मैंने मना भी किया तो भी मेरे पास ये सर्जरी का सारा सामान है, थोड़ा हेवी है, ये भी सर्जरी का सामान है, तो मैंने ये वाला डब्बा उठा लिया और मुझे यहाँ ला के छोड़ा। एक फॉर्म दिया है, वो फॉर्म भर के देने पे वो कह रहे थे कि जो मैंने पैसे दिए हैं उसमें भी रिटर्न आ जाएगा। अब छोड़ो यार, रात की ट्रेन से वापस आना है। सो वीडियो को कंटिन्यू करते रहते हैं, आप देखो एक डेंटिस्ट के लाइफ की स्ट्रगल, एक वेल सेटल्ड डेंटिस्ट के लाइफ की स्ट्रगल। भैया पानी बोतल, भैया देखो पर्दे कैसे लगे हुए हैं। तुम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपडेट के साथ। पैसा बनाना आसान नहीं होता है, बिनोमो, कॉइन स्विच, कुबेर, कुबेरा और क्या क्या, जो ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सेट कर, ये सबसे कुछ नहीं। घर से निकलना पड़ता है, पठानकोट रेलवे स्टेशन। और देखो 20 मिनट ट्रेन रुकने वाली है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन का प्रेशर तो अभी निकल रहा है। प्रेशर निकलने का मतलब होता है कि ब्रेक्स रिलीज कर दिए गए, गाड़ी चलने वाली है। बढ़िया चाय नहीं मिली यहाँ पे, हमने चाय पीने से मना कर दिया। वन ट्वेंटी हो रहा है एंड अभी स्टिल दो घंटे दूर है। हम लोग पंजाब में है, पठानकोट डिवीज़न में। अच्छी बात ये लगी कि शायद पैसेंजर्स बहुत कम है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो यहाँ चाय आप दे रहे हैं वो चाय मुझे ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल चाय है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना के भेजा है। कमाल है, तक उनको कुछ गिफ्ट देके जाऊंगा। वो भी खाली है, वो भी खाली है, तो शायद उधर दो लोग बैठे हैं उस तरफ। पहले ये ट्रेन ऐसे जा रही थी, अब ये ट्रेन ऐसे जा रही है उल्टा। मुझे लगा कि चंडीगढ़ तो वापस नहीं निकल पड़ी पठानकोट से, तो मैंने इनको पूछा कि भैया ये ऐसा क्यों। बताया कि जो पठानकोट रेलवे स्टेशन है वो अंदर है, ये कुछ किलोमीटर पीछे आती है, फिर घूम के ऐसे फिर सीधा हो जाएगी जम्मू। चलो ये तो बर्बादी है, पैसे की, एनर्जी की, सबकी बर्बादी है। रेलवे स्टेशन शिफ्ट करा लेना चाहिए।
गुड इवनिंग। सो अब हम वापस जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सो सुबह हम आए थे A1 कोच में, राइट, और अभी काम ख़त्म करके अभी बज रहे हैं 10:15, 10:15 हो रहा है, और 10:15 में हम जम्मू रेलवे स्टेशन पे हैं। और ये ट्रेन है हमारी, कोच नंबर HA2। इस ट्रेन से हम जा रहे हैं अम्बाला। अम्बाला में सुबह डैड आएंगे 6:00 पिक करने। सो देखिए, आज सुबह जो जर्नी शुरू हुई थी 1:30 बजे, डे वर्क, कल सुबह 6 बजे। सो बाकी आपको बताते हैं कि कैसा रहा, हाउ इज़ द कोच। ये ट्रेन है, ये बोगी है हमारी, सही आपको दिखाते हैं। फर्स्ट एसी है और ये हमारा कूप है। आपको पता ही है फर्स्ट एसी में कूप बोलते हैं, कूप है हमारा, कूप है। मेरा ग्राउंड फ्लोर है, इस पर पता नहीं कौन है।